नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर महिला पहलवानों की लड़ाई लंबे समय से जारी है। महिला पहलवानों की इस लड़ाई में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। महिला पहलवानों का समर्थन करते हुए कांग्रेस अब दिल्ली के गाँव देहात एरिया में पहुंचकर पंचायत कर रही है। रविवार को दिल्ली के कुतुबगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ पंचायत की। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में लंबी लड़ाई लड़ रहे महिला पहलवानों के समर्थन में अब कांग्रेस भी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस अब इन महिला पहलवानों की लड़ाई में शामिल होने के लिए पूरे जोर शोर के साथ उतर रही है। इस लड़ाई के लिए कांग्रेस अब गाँव देहात में पहुंचकर पंचायतों का साथ ले रही है। इसी को लेकर रविवार को कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव की अगुवाई में बवाना विधानसभा के अंतर्गत कुतुबगढ़ में ग्रामीण लोगों के साथ पंचायत की। इस पंचायत में कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाके के लोग भी पहुंचे। इस पंचायत के माध्यम से कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की पहलवान बेटियों और खिलाड़ियों के आंदोलन को लंबा समय बीत चुका है, लेकिन मोदी सरकार की चुप्पी बरकरार है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक देश में महिला खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर अपने हक की बात रखने का भी अधिकार नहीं दे रही है। इस पंचायत के माध्यम से कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अब महिला पहलवानों के अधिकारों की लड़ाई के लिए कांग्रेस गांव-गांव पहुंचकर लोगों का समर्थन बटोरेगी और महिला पहलवानों की लड़ाई को कांग्रेस प्रमुखता से लड़ेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा करने वाली महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण और उत्पीड़न के गंभीर मामले में सरकार ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। यह अपने आप में चिंता का विषय है। पहलवान जो हमारी बेटियां हैं उनके खिलाफ जो जिस तरीके की कार्रवाई, जिन्होंने नाम रोशन किया देश का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, आज उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है उसके खिलाफ आज हमारी कांग्रेस पार्टी के खास तौर पे हमारे साथियों ने, लगभग हमारे पूर्व मंत्री हैं आज यहाँ पर, हमारे कई MLA यहाँ पर आए हैं, जो हमारे विधायक का चुनाव लड़े वो सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, और हम सब ने ये फैसला लिया कि गांव का आशीर्वाद लेते हुए, गांव के लोगों की, यहाँ की पंचों की राय लेकर हम इस लड़ाई को आगे लेकर जाएं, मजबूती से इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करें, और इसके तहत आज ये पहली पंचायत है। इसके पश्चात हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस तरीके की पंचायत पूरे दिल्ली देहात में करेंगे, और जब तक हमारे ये न्याय नहीं मिलता हमारी पहलवान बेटियों को, तब तक ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। हमारे यहाँ गांव में बहुत इंटरनेशनल पहलवान, हमें तकलीफ इस बात की है कि जब ये मेडल लेकर के आते हैं तब इनको घर बुला करके, भाई हमारे खाना खाओ। जब ये वहाँ से आते हैं विदेश से, तो ढोल नगाड़ों के साथ इनके स्वागत होते हैं, और उन बच्चों के साथ जो ओलंपिक खिलाड़ी हों, उन बच्चों के साथ अगर कोई छेड़खानी करते हैं, क्या उनको बताने का अधिकार नहीं है? ये ब्रजमोहन जो सांसद है, इन्होंने जब इनका यौन शोषण किया, इन्होंने अपनी बात रखी, तो बात रखने के बावजूद इनको कमेटी का एक लालच दे दिया, अभी कमेटी बनेगी उसमें फिर जो फैसला होगा। महीनों बैठे रहे, कोई फैसला नहीं, तंग आकर के उन्होंने फिर दोबारा जंतर मंतर पे जाके बैठना पड़ा। वो जंतर मंतर पे देखिए, लोकतंत्र है, अपनी मांग के लिए आम आदमी जा सकता है, और कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं वो खिलाड़ी वहाँ बैठे हैं, उनकी रात को बिजली काट दी गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, पहलवानों के साथ है। हम जब तक हमारी जो मांगे हैं कि ब्रजभूषण को जल्द से जल्द जेल भेजा जाना चाहिए, और जो किसानों के खिलाफ जो मुकदमे रजिस्टर हुए हैं उन मुकदमों को वापसी लेना चाहिए, जब तक ये दोनों मांगे हमारी नहीं मांगी जाएंगी तब तक हम हर विधानसभा में, हर गांव में जाकर इस तरह की खाप पंचायतें आगे करते रहेंगे, लोगों को अपने साथ उनको जागरूक करते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे। इसकी तैयारी है अब एक एक गांव में जाकर खाप पंचायतें करना और खाप पंचायतों का समर्थन प्राप्त करना,
और तब इस लड़ाई को आगे लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। लंबी लड़ाई तो किसानों की भी थी, वो भी मिलकर सबने, देशवासियों ने, किसानों ने सबने मिलकर लड़ी, मगर उसमें जीत हासिल की। ये भी लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी हो, वो रोटी की लड़ाई थी, ये बेटी की लड़ाई है। और कल्चर रहा है दिल्ली देहात का कि जब दिल्ली देहात उठकर चलता है तो इतिहास रचता है। आप देखना कि इसका जो भी आज मामला चल रहा है, FIR हुई है, ये वापस करनी पड़ेगी सरकार को, और इस मामले में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी।